जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों से शुरुआत। विकास खंड कुरई के अंतर्गत ग्राम सिमरिया बदलापार में गौक्षी के नाम पर तथा कथित गौरक्षों के द्वारा जनजाति समुदाय के लोगों को लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या कर दी गई और अन्य घायल हुए। उक्त घटित घटना को लेकर गोंड समाज महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष BS परतेती जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महामहिम राज्यपाल जी को प्रेषित पत्र पर मांग की कि उक्त घटना की जांच CBI से कराई जाए, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, मृतकों के परिजनों को शासन द्वारा मिलने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को दैनिक वेतन भोगी की जगह नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए तथा कथित गौरक्षक संगठन को प्रतिबंध किया जाए, घायलों का उपचार शासन द्वारा कराया जाए और 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। आरोपियों दोषियों के अचल संपत्तियों को बुलडोजर से दमेदोस किया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल संज्ञान लेकर सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग की ओर उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया है। आदि उत्सव रामनगर जिला मंडला में पधारे महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी सिवनी जिले में घटित घटना और देश प्रदेश में निवासरत जनजातियों की विभिन्न मांग समस्याओं का निवारण शासन प्रशासन स्तर पर करने संबंधित पत्र प्रेषित किया गया। कार्यक्रम में दोनों माननीयों ने अपने अपने संबोधन में उक्त घटित घटना को दुखद घटना कहा है और मृतकों और परिजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है और कहा कि घटना में संलिप्त कोई भी दोषियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल JBTAwaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।